गाजियाबाद के प्रसिद्ध देवी मंदिर परिसर में आज नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर के अंदर दिखाई दी। खास तौर पर इस नवरात्रि में लोगों को मंदिर में जाने का अवसर मिला, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना का हाल के कारण भक्त मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार भक्तों के अंदर सुबह से ही उत्साह दिखाई दिया। मंदिर के महंत नारायण गिरी जी महाराज ने बताया कि हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र की बेहद मान्यता है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्हें पूरे 9 दिन व्रत रखकर मां भगवती की आराधना करनी चाहिए। इस दौरान फल फूल पान ध्वजा नारियल सुपारी मिष्ठान रोली चंदन कलावा आदि से भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने बताया कि इन दिनों में जो भी भक्त मां भगवती की आराधना पूरे मन से करते हैं, मां भगवती उन पर अपनी असीम कृपा करती हैं। देखिए, आज पहला नवरात्र में ये जो शारदीय नवरात्र है और विशेष रूप से अश्विनी शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन जो आज शैलपुत्री का दिन होता है, शैलपुत्री माता का पूजन वगैरह होता है। सभी भक्तों को जो है अष्ट सिद्धि नौ निधि की जो है माता जी जो है उनका कृपा से ही प्राप्त होती है, तो उसका उपासना विशेष रूप से आज जो है जो अपने सक्षम है वो लोग व्रत रख सकते हैं। और छोटा सा निवारण मंत्र ओम है ओम एम हरि क्लिंग चामुंडा विषय, इस मंत्र को जाप करते हुए देवी का कि या देवी सर्वभूत शक्ति रूपिणी संस्था नमोतस्से नमोतस्से नमो नमो, तो ये छोटा सा मंत्र भी जाप कर सकते हैं। और अपना दार में भी जो है रात्रि के समय में और बीच में दूध वगैरह फल वगैरह भी उसको लेके माता जी का जाप करना, ये जो है दुर्गा जी का पाठ करना, और विशेष रूप से जैसे मान लीजिए कि ये जो चालीसा वगैरह है दुर्गा चालीसा उसका पाठ करना, तो माता सबका कल्याण करने वाली है। सर्व मंगल मांगली शिवे सर्वा सादी के शरण त्रम के गौरी नारायणी नमस्तुते, तो सभी जीवों का कष्टों को निवारण करने वाली माँ भगवती है। और माँ जो है वो एक रूप होते हुए भी 9 रूपों में अलग अलग रूपों में है, और निश्चित रूप से ये इसका कोई भी प्रत्येक विश्व में हिंदू मात्र कोई भी इसका उपासना पूजा करने से उनको शक्ति की ऊर्जा की प्राप्ति होती है और बहुत से प्रकारों का जीवन में जो क्लेश वगैरह विकार वगैरह उनका निवारण होता है माँ भगवती की पूजा करने से। बता दें कि आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान माँ भगवती की आराधना करना, उनकी पूजा अर्चना करना बेहद शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, इन दिनों में सभी कार्य की शुरुआत भी की जाती है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।